हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप सिर्फ आधार कार्ड की मदद से अपना फ़ोन पे अकाउंट बना सकते हो। आई नो आप में से काफ़ी सारे लोग परेशान हैं यार, काफ़ी सारे लोगों के पास एटीएम कार्ड नहीं है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई रिसेंटली RBI का अपडेट आया था जिससे आप कुछ बैंकों से कनेक्ट हो गए, और ये सभी बैंक में फैसिलिटी नहीं है। मैं आपको बता दूंगा कि भाई कौन कौन सी बैंक अभी प्रोवाइड करा रहा है और प्रोवाइड करा रहा है नहीं करा रहा है इस टाइप की सर्विस। तो जानेंगे इस वीडियो में भाई कैसे आप अपने आधार कार्ड की मदद से फ़ोन पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको फोन पे का लिंक दिया है, ठीक है, तो वहीं से आपको फोन पे को डाउनलोड करना है। एटीएम कार्ड नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि भाई कैसे करना है। और जो भी मैं प्रोसेस बता रहा हूं वो इस वीडियो के बाहर से कहीं नहीं आएगी, पूरी प्रोसेस मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं कि एक्चुअल में क्या राइट तरीका होता है। जैसे आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो आप यहां पर प्ले स्टोर पर डायरेक्ट हो जाओगे, देन आपको यहां पर फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। प्रोसेस काफी सिंपल और ईजी है, बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर डाल देना होगा, और ध्यान रहे आपको अपना फ़ोन नंबर वही वाला डालना है जो आपका बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। कोई ना कोई बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, और हाँ बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक होना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आपके मोबाइल नंबर पर OTP सेंड करी जाएगी, और इस OTP को आपको अपने फ़ोन से कर लेना है वेरीफाई। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि OTP रिसीव हो गई है, देन यहाँ पर हमारा जो फ़ोन पे का अकाउंट है वो सक्सेसफुली बन गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जस्ट हमको कुछ परमिशंस वगैरह देनी है, और हमारा जो फ़ोन पे का अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है, ठीक है। देन यहाँ पर आप आइएगा नीचे स्क्रॉल डाउन करके, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बैक आ जाना है और प्ले स्टोर ओपन करना है अपने को। और देखिए यहाँ पर क्या कर देना है, आपको सर्च कर देना है भीम। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्चुअल में क्या है, अगर आपका ATM कार्ड नहीं है तो आपको यहाँ पर भीम UPI से अपनी UPI ID क्रिएट करनी होगी, और फ़ोन पे गूगल पे जितने भी एप्लीकेशन हैं ये करते हैं UPI से वर्क, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि हमको UPI ID सबसे पहले बनी होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने भीम को इंस्टॉल किया, देन इसके बाद आपको इसको ओपन कर देना है, वो भी मैं आपको बना के बता देता हूँ, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो सिंपली आपको यहाँ पर कर देना है क्लिक, देन इसके बाद यहाँ पर आप डालेंगे अपना OTP, और OTP डालने के बाद आपको जस्ट इसको भी इस टाइप में रजिस्टर्ड कर लेना है। देन मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको अपनी जो UPI ID है वो बनानी है। देन यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि कुछ इस तरीके का सेक्शन निकल के आ जाएगा जहाँ पर आपसे UPI ID बनाने को कहेगा। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है तो ऑलरेडी इसकी UPI ID बन के आ जाती है, बट हमको विदाउट ATM कार्ड बनाना है UPI ID, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर ऊपर वाला एक सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जस्ट इसके राइट साइड में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, और देन इसके बाद ये वाला सेक्शन निकल के आ जाएगा जहाँ पर आपके जितने भी बैंक अकाउंट इस फ़ोन से लिंक है वो आ जाएंगे। देन आपको यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अब हमको वो बैंक सेलेक्ट कर लेना है जिसमें हमारा अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे जस्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी बैंक वो यहाँ पर मेरे सामने निकल के आ गए हैं, और अब हमको यहाँ पर UPI ID बनाना है उस बैंक से। तो देन यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेट UPI पिन, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब मैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, डेबिट कार्ड मतलब कि ATM कार्ड, आधार नंबर। तो हमको क्या करना है, आधार कार्ड से बनाना है जैसे कि मैं शुरू से बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको आधार नंबर में क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर सेलेक्ट करके प्रोसीड में क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। काफ़ी सिंपल है और ईजी प्रोसेस होने वाली है यार, और यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट कर लेना। और यहाँ पर जस्ट आपको क्या करना है, अपना जो आधार कार्ड नंबर है ऑटोमेटिकली आ जाता है आपके मोबाइल नंबर से ही, बट हमको जो लास्ट के कुछ डिजिट है वो यहाँ पर डाल देने हैं, लास्ट के 4 डिजिट आप यहाँ पर डालेंगे आधार कार्ड के, और यहाँ पर आपके जो फ़ोन नंबर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वेरीफाई कर लेगा। ये यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है जस्ट आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं लाइव प्रोसेस आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इसी बात पे यार वीडियो को एक लाइक तो बन जाता है, तो लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट करके बताना कि अगर आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या आए। तो अब यहाँ पर करना है अपने को अपना UPI पिन सेलेक्ट जिससे हम ट्रांजेक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप करिएगा अपना UPI पिन सेलेक्ट, तो यहाँ पर मैं अपना जो OTP डाल दिया हूँ OTP आ गई है, और UPI पिन यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर टिक वाले बटन में मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जस्ट यहाँ पर आपको टिक पे क्लिक कर देना है, और ये सक्सेसफुली जो आपका UPI है वो यहाँ पर बन जाएगा। काफ़ी सिंपल और ईजी वे में मैं आप सभी को बता रहा हूँ, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी सी क्या है,
अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का ऑप्शन निकल गया है, वापस से आपको आ जाना है यहाँ पर फ़ोनपे में। ठीक है, फ़ोनपे में जैसे ही आइएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस निकल जाएगा। अब हमको करना है बैंक अकाउंट ऐड, और बैंक अकाउंट ऐड होते ही हम अपने सारे ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर आप ध्यान रहें, जिस भी मोबाइल नंबर सॉरी जिस भी अपने को अकाउंट नंबर ऐड करना है, जो भी अकाउंट ऐड करना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने UPI ID बनाई थी वो यहाँ पर रजिस्टर्ड हो गई है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और काफ़ी सिंपल और इजी प्रोसेस है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको इतना सब करने के बाद क्या करना होगा, आपको अपने वॉलेट को एक्टिवेट करने के लिए ₹1 का UPI ट्रांजेक्शन करना है। मतलब कि आप जाइएगा फ़ोनपे वाले सेक्शन पे और ₹1 का ट्रांजेक्शन अपने कोई भी फ्रेंड और किसी भी रिलेटिव के साथ कर सकते हैं। आप यहाँ पर 2 मोबाइल नंबर वाले में क्लिक करेंगे, देन आपका जो वॉलेट है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप ₹1 का ट्रांजेक्शन ज़रूर कर लेना, या फिर आप मुझे भी कर सकते हो, जिससे आपका वॉलेट एक्टिवेट हो जाएगा। तो मेक श्योर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी यार, वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।